हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाऊंगा एक रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट। इस इमरजेंसी लाइट का ब्राइटनेस आप अपने से कंट्रोल कर सकते हैं और दोस्तों इसे आप नाइट लैंप जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों इसे कैसे बनाते हैं, इसका पूरा प्रोसेस और सर्किट डायग्राम मैंने इस वीडियो में बताया है। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आपके मोबाइल में मिल जाएगा।
दोस्तों यहाँ पर हमारा रिचार्जेबल इमरजेंसी लाइट बनकर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसे चेक करके दिखाऊंगा कि यह कैसे वर्क करता है। दोस्तों अगर आपको इसका वायरिंग समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। और दोस्तों अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे मेरे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके बात कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर मैं इस इमरजेंसी लाइट को आपको पूरी तरह से चेक करके दिखाऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है। दोस्तों इस इमरजेंसी लाइट के साथ मैंने एक मोटर स्पीड रेगुलेटर का यूज़ किया है, जिससे आप इसका ब्राइटनेस इजिली कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल का यूज़ किया है, जो कि टाइप सी कनेक्टर के साथ आता है, तो इसे आप इजिली अपने मोबाइल चार्जर के टाइप सी चार्जर के साथ इजिली कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हो। और दोस्तों इस इमरजेंसी लाइट की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पहला, इसका ब्राइटनेस बढ़ा के इसे आप इमरजेंसी लाइट जैसा यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा, इसका ब्राइटनेस लो करके आप इसे नाइट लैंप जैसा यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को सोशल मीडिया में शेयर कीजिए। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।